मेरे अजीजो, मुस्तहबात के लिए, नवाफिल के लिए फराइज को छोड़ना ये मोमिन का काम नहीं है। इसकी थोड़ी सी इसलाह की जा सकती है। जाहिर सी बात है, गांव वालों की खुशी होती है। पहले हमारे मशाइख का ये तरीका होता था कि जलसे के जरिए से बहुत सारे लोग दीन सीख लेंगे। हमें भी सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, तुम्हारे पास सारे उलमा की तकरीरें पहुंच जा रही हैं। ये जलसा अब, ये उस जमाने के जलसे थे कि लोग बिलमुशाफा या दूर से भी सुन नहीं पाते थे। उलमा को बुलाया जाता और दीन फैलाया जाता। आज तुम्हारे पास इंटरनेट के जरिए से सारे उलमा की तकरीरें, चाहे वो ऑडियो वीडियो, सब पहुंच गई हैं। अब इन जलसों का इस गरज से इस्तेमाल हो सकता है कि उलमा से ये मुलाकात करें, मुसाफा करें, सोहबत में बैठे। उसके लिए इतने खर्चे की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद में भी हमें बिठा दें, लोग फैज उठा लेंगे उलमा से। मेरे अजीजों, ये दर्द होता है, ये तकलीफ होती है उम्मत को, जिन कामों में आज अपनी मेहनत करनी थी उन कामों को छोड़कर आज भी ये अपनी पुरानी रविश पर कायम है। जिस वक्त कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन रही थी, उस वक्त जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पावर वाले और माल वाले जो बादशाह थे वो हिंदुस्तान के मुगल बादशाह थे, जिनके पास सोना चांदी और किसी चीज की कमी नहीं थी। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज यूं ही यहां पर झपटा मारने नहीं आए थे, हिंदुस्तान में बहुत कुछ था इसलिए आए थे। लेकिन एक बात याद रखें कि उस वक्त वो यूनिवर्सिटियां बन रही थी, जब कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, आज पूरी दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटियां, उस वक्त हमारे राजे महाराजे या बादशाह ताजमहल बना रहे थे, कुतुब मीनार बना रहे थे, लाल किला बना रहे थे, जो आज पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं। अजीजा निगरामी, ये पिकनिक पॉइंट बना करके कोई तारीख रकम नहीं होती। अगर इल्म की एक दरसगाह बना दी जाती तो लाखों लोग उससे अपना इल्म, अपने इल्म की प्यास बुझाते रहते। ताजमहल से कितने आलिम फारिग होते हैं, ताजमहल से कितने डॉक्टर निकलते हैं, कितने इंजीनियर निकलते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फोटो लेने के लिए जाते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अजीजा निगरानी, अपनी सोच को बदले, इन जलसों का सही मानों में इस्तेमाल किया जाए। अगर जलसा करना ही होता तो दिन के वक्त आप करते, हल्के बनाते। ये सारे जो उलमा बैठे सबको तो मौका नहीं मिला, अभी दो तीन को जो मौका मिला आप झेल गए होंगे। सबको मौका दिया जाता माइक का, जितने स्टेज पे बैठे हैं, तो पता नहीं कितनी रात हो, कितनी सुबह हो जाए। लेकिन एक तरीका है, ये मैदान पूरा है, सारे यहां पर है, दस दस लोग, पंद्रह पंद्रह लोग एक हल्के में बैठ जाते, एक आलिम उनके पास बैठता, एक घंटा उनको वजू के मसाइल सिखाता, उन्हें तैमुम के मसाइल सिखाता, इस्तिंजा और गुसल के मसाइल सिखाता। पचास उलमा भी हो तो इस मैदान के लिए हर एक अपने अपने काम में मशगूल होता, सिर्फ स्टेज की जीनत नहीं बनते। और आपका फायदा यह होता कि खाली आप इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते कंबल ओढ़ करके बैठने के लिए, बल्कि कुछ सीख करके जाते, सीख करके जाते। इतने बड़े जलसे से वजू के फराइज नहीं मालूम हो सके तो क्या किया जलसे में? इतने बड़े जलसे में जिसमें लाखों के खर्च हो गए, नहाने का तरीका नहीं मालूम हुआ, नापाक का नापाक ही रहा, जलसे में कौन सा पाक किया गया आपको? मेरे अजीजों, आइंदा के सिलसिले में इस बात पर गौर करें, जलसा इस तरह से हो कि 50 उलमा आए कि 100 उलमा आए, सबको काम पे लगाएं। मैं खुद मैदान में खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। 10 लोगों को अगर एक घंटा सिखा दिया जाए मसाइले दीनिया, मैं समझता हूं ये सबसे कामयाब जलसा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए थे, सहाबा की एक जमात बैठी थी, मुश्किल से उसमें 8 या 10 सहाबा बैठे थे, मसाइल सीख रहे थे, और उतने ही सहाबा रात के वक्त खड़े होकर इबादत कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजरे और एक सहाबी से हुजूर ने फरमाया,
ये दोनों जमातें इबादत में है, लेकिन इसमें अफजल कौन है जानते हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो रात भर खड़े होकर की इबादत कर रहे हैं उनके लिए नहीं फरमाया, बल्कि जो इल्म हासिल कर रहे हैं उनके लिए फरमाया कि ये उनसे भी अफजल है जो इबादत कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा की शरीयत का एक मसला रात में याद कर लेना, रात भर नफल पढ़ने से अफजल है, अफजल है। इन तरीकों में थोड़ी सी तब्दीली ले आए और ये देखें, हो सकता है आज इस जलसे में 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ हो। मैं अपने एक मिसाल के लिए कह रहा हूं, साल में एक मरतबा कर रहे हो, मैं कहता हूं 10,000 रुपए 20,000 रुपए ही इसको खर्च करते रहे, हर महीना करें, हर महीना करें, लेकिन इतने बड़े पंडाल की जरूरत नहीं, इतने बड़े स्टेज की जरूरत नहीं। चंद उलमा हो वो आए, दिन भर आपके साथ बिताएं और आपके साथ वक्त गुजारे, और शाम के वक्त दुआ सलातो सलाम के साथ उलमा अपने घर जाएं, आप अपने घर जाएं। महीने में एक मरतबा भी आप इस तरह से करते रहे तो साल नहीं गुजरेगा कि आधे आलिम आप बन जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आज साल में एक मरतबा जलसा होगा, फिर अगले साल जब तक पता नहीं कितना जंग लग चुका होगा, कितना जंग लग चुका होगा। मेरे अजीजों, ये बातें हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी लगे या बुरी लगे, लेकिन इतनी रात जाकर इतनी ठंडियों में, अच्छा दूसरी बात, एक औरतों को उनके बच्चों को मैदान में इस तरह से जमा करना, इनके लिए अलग से इंतजाम करें। ये औरतें बच्चे ये सारी यकीनन ये दीन सीखने की गरज से अपने घर से आए होंगे, लेकिन इनको दीन सिखाने वाली कोई आलिमा ही आ जाती तो ये बिल्कुल फ्री होकर उससे सीख सकते, या किसी आलिम दीन से इन्हें सिखाना हो तो पर्दे का बाज़ाब्ता इंतजाम किया जाए, माकूल इंतजाम किया जाए। या तो जिस तरह ये मस्जिदों में नहीं आती, इसी तरह हमारे जलसे की आवाज इनके घरों तक पहुंचाई जाए, जो सुनना चाहे वो अपने घर में बैठ करके सुने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 8 दिन नहीं गुजरे होंगे, बिहार के दौरे से मैं आ रहा था, एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। जलसे के इख्तिताम पर जो हादसा हुआ वो कहने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पूरे इलाके में जलसे बंद हैं। क्यों? जलसे के ऐन शबाब के वक्त हो या इख्तिताम के वक्त किसी नौजवान ने किसी नौजवान लड़की को छेड़ा, या जो कुछ भी हुआ उनके मामलात, बात इतनी बढ़ गई कि उस नौजवान का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। तो क्या इस काम के लिए जलसे? मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खबर याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितने से बचाने के लिए मोमिनों से फरमाया था, इत्तकु मवादिअत तुहम, तुहमतों की जगह से भी बचो। बहरहाल ये मेरी बातें थी जलसे के हवाले से, अगर पसंद आए तो अमल करें, वरना अल्लाह तबारक व ताला अपने दीन के निजाम को चला ही रहा है, ये चलता ही रहेगा। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ा अफसोस भी है, मुफ्ती शहनवाज साहब ये जामिया अजहर के फारिग हैं, अजहरी हैं, कारी बिलाल अजहरी साहब, ये भी एक रिवायत बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए बैठ जाइए आप। ये नोटों की जो बौछार करते हैं, ये किसने आपको सिखाया है? कहां से सीख करके आए? उलमा को अगर नजर आप पेश करते हैं तो ठीक है, बंद हाथों में पेश किए जाते हैं, ये नहीं कि उड़ा रहे हैं उनके ऊपर, वो आपको मुजरा करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। और आपने ये कहां से सीखा है? ये हमारे उलमा की रिवायत नहीं है, ये हमारे उलमा की रिवायत नहीं है। और नौजवानों को इसमें किस चीज का मजा आता है? नोटों को उड़ाना वो मिंबरे रसूल है, और जो बयान कर रहा है वो नाइबे रसूल है, इसकी ताजीम और इसका अदब इतना जरूरी है आप पर, मैं बता नहीं सकता। इस चीज का अंदाज हमेशा अदब रखा करें, और अदब से दीन आता है, अदब से दीन आता है। आप ये समझते होंगे चंद नोट या
पेश कर देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। इस बुरे रिवाज का भी खात्मा करें। हाँ, हम लोग जो है अपना मामूल भी बताएं, नात खां को बुलाएं और नात खां से सुने, नोट खां से नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, नोट खां से नहीं, नात खां। और नाते पाक पढ़ने वाला भी ऐसा हो कि वो नात पढ़े, आपके दिल में रिक्कत तारी हो और अपने नबी को देखने की तलब बढ़ जाए। ये नहीं कि उछल कूद हो रही हो यहाँ पर, वरना कव्वाली में और उसमें क्या फर्क है। और दूसरे, वो भी जायज कव्वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर सारे लोग अपने नफसानी ख्वाहिशात निकाल कर उछल कूद करने को कव्वाली कहते हैं आज, और दलील के लिए सीमा की बड़ी बड़ी रिवायतें पेश करते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, दो चंद अशार पर ये उछल कूद करने वाले और वाह वाह करने वाले, कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो तुम्हारा वजद कहां जाता है? वो तो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कलाम है, तुम्हें कोई असर भी नहीं हो रहा है, वजद भी नहीं आता। अरे समझ में आता तो वजद आता ना। तो बहरहाल इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालें। मैं जो बात कह रहा था, मैं माजरत चाहता हूं इन उलमा से, और शायद नाजिम इजलास भी, और ये बड़े उलमा भी, इन्होंने बताया रात के 10 बजे से वो स्टेज पे बैठे, 10 बजे से बैठे हैं। ये तो दीन सीख करके आए जामे अजहर से, यहां क्यों बैठे अब तक, इतनी रात तक बैठे? ये किसी की रू रियायत में बैठ गए, या हमारी मोहब्बत में बैठ गए, या जलसे के रस्म और रिवाज को बाकी रखने के लिए बैठे? उन्होंने तो दीन सीखा हुआ है। मेरे अजीजों, इसलिए शॉर्ट टाइम में आप अपने जलसों का सही मानों में पैगाम पहुंचा दिया करें। बड़े अदब से मैं ये गुजारिश करता हूं मुंतजिमीन मजलिस से भी, इंतजामिया से भी, कि हाँ किसी एक मुकर्रर, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे बुलाने के लिए ना किसी तामझाम की जरूरत है, ना ज्यादा झमेले की जरूरत है। जिस दिन भी दीन की जरूरत होगी इंशाअल्लाह अजीज, मैं गली में खड़े होकर के भी आपके दरमियान खिताब करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, मेरी आदत है, पहले से मिजाज, और मैं तारीफ के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन कभी अगर बुलाए तो एक मुकर्रर को बुलाए और खूब मन भर करके उससे सुने, उससे पूरा दीन सुने। ये नहीं कि वो मुकर्रर बेचारा उसकी रियायत करता हुआ इधर से उधर करे, दूसरा तीसरे की रियायत कर रहा है, और सारे लोगों को यहां पर एक ही चैन में बांध करके रखा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मिंबरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। वो मिंबर कैसे थे जिसमें सरकार मुफ्ती आजम हिंद बैठा करते थे, एक बात भी इधर की उधर नहीं होती थी, कोई ना अपने मौजू से हट रहा होता, ना कोई ऐसे ही अल्फाज की बरसात बरसा रहा होता। मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला का मामूल ये था कि जलसे में शुरू में ही चले जाते थे, शुरू में ही आते, हर जो भी मुकर्रर आता उसकी पूरी सुनते। अब आप अंदाजा करो कि उनके सामने तकरीर करने वाला कैसे करता होगा। ये नहीं कि लच्छेदार अल्फाज में लोगों को वरगला करके चला गया, वहां पर एक एक लफ्ज भी तोला जाता था। बहरहाल आज हम सब को अपने इस्लाह की जरूरत है, सारे उलमा मिल करके इस रिवायत को बदलें और दीन को सिखाने के लिए इखलास हमारे अंदर आ जाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अब जाहिर सी बात है इतना तो मैं आपको बोल लिया, ये मेरे दिल की भड़ास थी, रखता तो दर्द होता इसलिए बोल लिया। बहुत देर से मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे, और ऐसे ही रख करके जाता तो बार बार याद आती, इसलिए मैं बोल लिया। मैं बहुत देर से देख रहा था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं कि इतनी रात आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं ना, ये कि फिर दरी उठाने के लिए बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। तो बहरहाल इतनी रात में अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो ये कमाल है आपका, और ये आपकी मोहब्बत है, और इसका अल्लाह ताला अजर जरूर अता फरमाएगा। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
और जल्द खत्म करके इस बात के वादे के साथ हम जाएंगे कि फजर की नमाज इंशाल्लाह अदा करेंगे। अगर फजर की नमाज आपकी कजा हो गई तो ये पूरा जलसा खराब है, कुछ भी नहीं आपने हासिल किया। और फजर आपने पढ़ लिया तो इस पूरे जलसे का सवाब अल्लाह आपको अता करेगा। हाँ, इस नियत के साथ उठेंगे इंशाल्लाह। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला कुरान में अपने रसूल से फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है, तवज्जो, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ रसूल, क्या आपने देखा कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को ही खुदा समझ लिया है, ख्वाहिशात को ही खुदा बना लिया है, माबूद बना लिया है। कौन लोग हैं वो जो अपने ख्वाहिशात के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे लगता है उनका खुदा है ये। ख्वाहिशात क्या है? यही दुनिया तलबी है। कभी किसी आदमी को गुनाह की ख्वाहिश पैदा हुई, उसके लिए इतना हलचल मचाता है जैसे लगता है उसको करना फर्ज हो गया। कुरान कहता है अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल, क्या आपने नहीं देखा जिन्होंने अपना माबूद ख्वाहिशों को बना लिया, ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया। अब अल्लाह ताला ये भी फरमाता अफ अंत तकुन अलैहि वकीला, ऐ नबी, क्या आप ऐसे लोगों के सिफारिशी बनेंगे, क्या ऐसे लोगों के आप वकील बनेंगे जो लोग ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। अजीजा निगरा में वकार, मैं एक हदीस इस खुतबे में आपके सामने मैंने तिलावत की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन बन ही नहीं सकेगा जब तक के अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों के मुताबिक ना बना दे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। हुजूर फरमाते जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाओगे उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन हो ही नहीं सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक यहाँ जीना है, यहाँ ये नहीं चलेगा कि मेरी मर्जी है मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। नौजवान लड़का अपने बाप की डांट सुन करके उसे जवाब देने लगता है, अब्बा मेरी लाइफ है मुझे जीने दो। कोई अगर नसीहत करे किसी को तो कहते हैं हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, हमें अपनी मर्जी से जीने दो। ये कुफार की बोली है, ये काफिरों की बोली है। मोमिन की जिंदगी में जो कुछ भी उसे करना है वो मर्जी रसूल के मुताबिक करना, तभी उसका ईमान है, वरना ईमान का तुम्हें जो कुछ भी करना है वो रसूल की मर्जी के मुताबिक। और इस आयत को अगर मैं सही मानों में समझाऊं तो हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस शेर से समझ में आ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये हमारी लाइफ है, हमें इंजॉय करने दिया जाए, हमें नशा करने दिया जाए, हमें आवारागर्दी करने दिया जाए, जो लोग ये कहते हैं उन्हें बताता हूं तुम्हारी अपनी जिंदगी है कहां, तुम्हारी अपनी जिंदगी कहां है। अगर तुम्हारी अपनी ही जिंदगी है तो जब मौत आए तो 5 मिनट और बढ़ा करके दिखा दो, बढ़ा के दिखा दो। तुम्हारी अगर ये जिंदगी है तो ये तुम्हारी जिंदगी हो ही नहीं सकती, अल्लाह की दी हुई है और रसूल की अमानत है। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नगमात में इसे यूं समझाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे रिसालत, मुहाफिजे नामूसे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़री साहब क़िबला। वाह वाह, मैं आपको बताऊं जिंदगी को जिन लोगों ने यह समझा मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जीना है वो खाम ख्याली में है। और फिर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। सीमो जर किसको कहते हैं? सोना चांदी, सोना चांदी की बंदगी, उसकी गुलामी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन, बुल हवस किसको कहते हैं? ख्वाहिशात का पुजारी। वही आयत करीमा पर मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात की ही पूजा में लगे हुए हैं, उन्होंने ये चाह लिया तो वो करना है,
उन्होंने किसी गुनाह की सोच लिया तो उसके पीछे भागना है, चाहे उसके लिए लाखों रुपये क्यों ना खर्च करने पड़े, अपने ख्वाहिशात के लिए सब कुर्बान करने को तैयार है। उनके लिए कुरान कहता है ये ख्वाहिशात के पुजारी हैं, और उनके लिए कुरान ने यह भी कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो ऐसा दिल रखते हैं जिसमें उन्हें समझ भी नहीं आती। लहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है मगर सुन नहीं सकते ये लोग जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं। और अल्लाह ताला ने उनके मुताल्लिक क्या फरमाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह है नहीं बल्कि उनसे भी गए गुजरे, जानवरों से भी गए गुजरे। क्यों है? इसलिए कि जानवरों को अल्लाह ने अकल नहीं अता की, शहवत है उनके पास। जानवर जो है जानबूझ करके या अकल से समझ करके जो कुछ करता है वो नहीं कर रहा है। इंसान को अल्लाह ने अकल अता की, उसके बावजूद ये गुनाहों में है, तो ये जानवरों से गिरा हुआ है, जानवरों से गिरा हुआ है। फरमाते हैं हुजूर ताजु शरिया बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। ये जो तुम नेताओं के चक्कर में पड़े, कभी इनकी जूतियां उठानी पड़ रही है, कभी इनकी धोतियां उठानी पड़ रही है, कभी इनकी गाड़ियां धुलनी पड़ रही है, कभी इनके लिबास उठा के इनकी दरियां बिछानी पड़ रही है। क्यों? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार। हुजूर पाक को छोड़ दिया तो अल्लाह ने सारे लोगों की गुलामी में तुम्हें लगा दिया, जाओ अब नीच किस्म के लोगों की भी गुलामी करनी पड़ जाती है। तुमने कुरान और हदीस को हकम नहीं माना तो अपने फैसले कराने के लिए कैसे कैसे लोगों के सामने तुम्हें हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें पता है कोर्ट और कचहरी में वहां के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं मौलाना हमारे पास 70% केसेस सिर्फ तुम्हारे कौम के आते हैं, 70% केसेस सिर्फ तुम्हारी कौम के आते हैं। क्यों? मैंने तमाम चीजों का एक ही सबब समझा, हुजूर की गुलामी से जब भी ये कौम मुंह मोड़ेगी मौला इनको जलीलों के कदमों में छोड़ देगा। आज मेरे अजीजों यही तो हालात हैं हमारे, ख्वाहिशात से निकल आओ। कब तक तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागोगे? नौजवान ये समझता है कि मुझे चेहरा ऐसा बनाना है जैसे दुनिया देखे, कभी भी ये नहीं सोचता कि ऐसा बनाऊं जैसा मदीने वाले देखे। क्यों ये नहीं सोचता? तुम हमेशा ये सोचते हो कि कपड़े में ऐसे पहनूं कि लोग देख करके मुझे डांसर समझे, लोग देख करके बॉलीवुड और हॉलीवुड का हीरो समझे। तुमने यही सोचा? कभी कपड़े पहनने के वक्त ये ख्याल किया कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि अल्लाह उसके रसूल देखें तो खुश हों, अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में मेरी इज्जत बनी रहे? नहीं, ये तमाम चीजें सोचता भी नहीं है। इसी को कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी। आप लोग अगर ख्वाहिशात के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं तो इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबर जिहाद कहा है। जिहाद अकबर है ये। लोग आज जिहाद का लफ्ज कहने से भी कतरा रहे हैं। मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे उलमा के दरमियान भी ये खौफ डाला गया है। मैं कहता हूं मेरा तो मामूल है कि मैं हर जुमा जिहाद पर बात करूं, हर जुमा जिहाद पर बात करूं। क्यों? इन प्रोपेगेंडा वाले पाखंडियों की बात सुनकर के मैं अपने इस्लाम को छोड़ता चला जाऊं? अगर मैं लफ्ज़े जिहाद को हटा दिया तो मेरे नबी की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। क्या बात है बाबा। एक दिन आएगा फिर ये नमाज से चिड़ पैदा करेंगे, फिर तुम नमाज का लफ्ज भी नहीं बोल के इशारों में बोलने लग जाओगे। हाँ, इनको फिर तकलीफ हर एक चीज से होने लग जाएगी। आज देखते नहीं इस जहरीले माहौल में किन किन चीजों से इन्हें तकलीफ होने लग गई। ये तंग नजरी नहीं है तो क्या है, तंग दिली नहीं है तो और क्या है। आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल मैंने सुना था, आपने फरमाया अभी दुनिया अगर 10 लाख साल भी चले तो इनकी मुसलमानों के मुतालिक जो नफरत है वो खत्म नहीं होगी।
कुछ कट्टरवाद लोगों के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं, जिनके सीनों में, जिनके दिलों में नफरत भरी गई, जहर भर दिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इन चंद कुत्तों से डर करके इस्लाम से हम हाथ नहीं पीछे देंगे। मेरा दीन कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद। बेशक बेशक हक है, बहुत खूब है सर। और फख्र से ये कहना, दाढ़ी अगर किसी को चुभती है तो और बड़ी करेंगे, अमामा किसी को गढ़ता है तो और ऊंचा पहनेंगे, बेशक हक है। हिजाब से किसी को जलन है तो हर बच्ची को हिजाब पहना है, बेशक हक है, जिंदाबाद। होना तो यही चाहिए ना, बहुत खूब, बहुत होना तो यही चाहिए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला से मक्का वालों ने कहा था, तुम्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक काम तुम करना, कुरान बुलंद आवाज से कभी मत पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये कहते थे, लेकिन आपकी आदत थी कि जब सहन में बैठकर तिलावत करते आवाज बुलंद हो ही जाती, और आपकी तिलावत सुन करके रोज कोई ना कोई मुसलमान होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे मक्का वालों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मक्का से बाहर किया, मारा भी आपको, शहर से बाहर निकाला। और शहर का एक बड़ा पहलवान आदमी वो आया और देखा रास्ते में, कहां जा रहे हो अबू बकर? कहा मुझे लोगों ने निकाल दिया है, शहर बदर कर दिया है। कहा क्यों? कहा बस मैं कुरान की तिलावत करता हूं। उस आदमी ने, उस पहलवान ने कहा, अबू बकर तुझ जैसा शरीफ आदमी अगर मक्का में नहीं रहा तो फिर किसी को मक्का में रहने का क्या हक है? मैं तुझे अमान देता हूं, तुम मेरे पास रहोगे, कोई तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं उठाएगा। लेकिन वो पहलवान भी कोई मुसलमान नहीं था, उसने हजरत अबू बकर की मोहब्बत में अमान दे दिया और वापस मक्का ले आकर के बड़ी चोटी पर खड़े होकर के ऐलान किया, ए मक्का वालों सुनो, अबू बकर अब मेरी अमान में है, किसी को अगर बात करना है तो मुझसे बात करें। मक्का में किसी को हिम्मत नहीं थी इब्ने दगना से बात करने की, उस पहलवान से भिड़ने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन होता क्या, सारे मक्का वालों ने कहा कि उस पहलवान से कि मियां आपने अमान दे दिए, ठीक है, हमारा कोई एतराज नहीं, बस अबू बकर से इतना कहो कि कुरान बुलंद आवाज से मत पढ़ा करें, हमारा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्शन है और कुछ भी नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं समझा लूंगा। हजरत अबू बकर को उसने कह दिया। लेकिन दूसरे दिन हजरत अबू बकर जब कुरान पढ़ने लगे, धीरे 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 करते आवाज फिर बुलंद हो गई, लोग सुनने के लिए जमा हो जाते थे। जब भी आप तिलावत करते, रास्ता चलता वो आदमी खड़ा हो जाता था। आज जब एक कारी साहब तिलावत करते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। 14 सदियों पहले प्योर आवाज जब निकलती होगी, वो कुरान को उतरते हुए देखी भी निकाह है। सिद्दीक अकबर की तिलावत से लोग जमा होकर खड़े हो जाते, सब कान लगाकर सुनते, और फिर मजमे में कोई ना कोई मुशर्रबा इस्लाम होता। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, लोग आए और चिल्लाने लगे पहलवान को कि मियां तुम्हारी वजह से हमने इसे वापस मक्का में ले लिया, फिर वही काम शुरू हो गया। उसने समझाया अबू बकर, थोड़ा धीरे पढ़ो, पढ़ो ठीक धीरे पढ़ो। दूसरे दिन फिर धीरे धीरे होते हुए फिर बुलंद हो गई। इब्ने दगना जो पहलवान था उसने आकर कहा, अबू बकर मैंने सारे मक्का वालों से मुखालिफत झेल कर तुम्हें पना दी है, अमान दिया है, मेरी अमान में तुम रह रहे हो, और इस कुरान की वजह से फिर तुम्हें मारा जाएगा। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, कहा इब्ने दगना तू अपनी अमान अपने पास रख, मेरा कुरान मेरे पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे अगर कुरान पढ़ने की वजह से, नारे रिसालत अगर कुरान पढ़ने की वजह से, अगर कुरान पढ़ने की वजह से तेरे अमान और तेरी पनाह में कोई फर्क पड़ता है तो मुझे ऐसी पनाह की जरूरत नहीं, मेरे रब की पनाह मेरे लिए काफी। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। हट गए वहां से, ये नहीं कि उसको राजी रखे, उसका थोड़ा दिल रखते रहे क्योंकि ये हमें बड़े मजमे में अमान दिया ना। इस्लाम के शायर से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो हमें अमान देने वाला कोई भी क्यों ना हो। आज मैं यही बात कहूंगा, दिल रखो सबका, लेकिन इस्लाम को तोड़ के दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, हिंदुओं का दिल रखो, आपके पड़ोसियों का दिल रखो, लेकिन मेरे नबी को छोड़कर दिल नहीं रखा जाएगा, कुरान को मोड़ करके दिल नहीं रखा जाएगा।
हाँ नमाजों को बर्बाद करके दिल नहीं रखा जाएगा। अपनी इबादत में, अपने इस्लाम में पूरे सच्चे हो जाओ और पूरे दिल दुनिया का दिल रखो, पूरी दुनिया का दिल रखो, हम आपको कोई एतराज नहीं करेंगे। हाँ तालीफ कल्ब भी हमें इस्लाम ने सिखाया है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना ये इस्लाम ने हमें सिखाया, लेकिन तरीका यही है कि इस्लाम को छोड़ करके नहीं। जैसे आज बेचारे हमारे दरमियान के कुछ नेता लोग चले गए, उनका दिल रखते 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 ऐसे हो गए कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, अपनी चाल भूल गया, ये खुद क्या थे इन्हें पता ही नहीं। और मैं अक्सर इस मुहावरे को बदल कर क्यों कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। क्या कहने, जाहिर सी बात है एक शेर था वो कुत्तों की दिल रखने के लिए कभी कभार भोंक लिया करता था, चारा खा लिया करता था, चंद दिनों के बाद उसको याद ही नहीं रहा कि वो शेर था, याद ही नहीं रहा, वो कुत्तों की सोहबत में कुत्ता ही बन गया। इस बात को समझो मेरे अजीज, दिल रखो लेकिन इस्लाम को साथ में रखो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ोगे और उनकी गुलामी को छोड़ोगे तो हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी, हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी। लफ्ज जिहाद को जो मैंने आपके सामने रखा, जिहाद एक पाकीजा लफ्ज है, एक पाकीजा लफ्ज है, ये हमें बदनाम करते हैं आज लफ्ज जिहाद को लेकर। कभी आज तक इन दज्जाली मीडिया को ये बोलने की तौफीक नहीं हुई, पिछले 70 सालों से इसराइल ने जंग एक दिन के लिए भी बंद नहीं की, अमेरिका ने जो जंगें छेड़ रखी हैं अलग अलग मुल्कों में कभी जंग बंद नहीं हुई, 20-20 साल तक ये जंग करते रहे। रशिया ने जो जंग छेड़ रखी है वो कभी बंद नहीं होने दिया, 10-10 साल तक ये लोग लड़ते रहे, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन इस्लामी जिहाद से तकलीफ होती है, चिढ़ होती है। आपको मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल 17 गज़वात में गए। क्या कहने हैं, किसी शायर ने कहा है अगर उनसे इश्क करना जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, अगर इश्क जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, पर शर्त इतनी है कि दरे महबूब पे दी जाए। क्या कहने हैं हजरत, और हम ये कहते हैं कि शर्त इतनी सी है कि नामे महबूब पे दी जाए, क्या कहने हैं, हमें कबूल है। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देश को खराब करने के और अमन को नक्स पहुंचाने के खाहान नहीं है, हम फसादी लोगों में से नहीं है, फितना बर्पा करने वालों में से नहीं है, हमें इस जमीन से प्यार है, मोहब्बत है, और हम यहाँ अमन के लिए ही ये सारी बातें कह रहे हैं। जब अपने घर पर कोई हमला करता है, चाहे वो अपने घर के अंदर बैठा हो या बाहर बैठा हो, तकलीफ घर बनाने वाले को होती है, और जिसको पूरा घर तोड़ना है वो दंगाइयों की तरह नाचता रहेगा, इनके नाचने को देख करके हम नहीं बोलेंगे मेरा देश खराब हो रहा है, इसकी इमेज बर्बाद हो रही है, दूसरी जगह हर जगह एक अलग इमेज जाती है, इसके लिए हम बोलते हैं। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा था, हदीस मुस्तफा, अब के जमाने में जिस जिहाद की तुम्हें जरूरत है, उलमा को जरूरत है, वो क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन अफ़ज़ल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के होते हुए हक बात का ऐलान करना। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। अल्लाह ने तुम्हें जुबान दी है, मिंबर दिया है, तो ये जिहाद तो करो, हक बात जालिमों के सामने बढ़ चढ़ करके कहना, यह अफजल जिहाद। और अल्लाह ताला ने जिसको जो हैसियत दी, जिसको जो ताकत दी, वो अपनी मेहनत से हक बात का ऐलान करता रहे और किसी की रू रियायत न करे, हक बात बोलने में किसी की रू रियायत न करे। बहरहाल अपनी ख्वाहिशात को कम कर लें, अपनी ख्वाहिशात को हुजूर की मर्जी के मुताबिक बना लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहते हैं वैसे बन जाओ। मेरे अजीजों, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, चंद महीने पहले की बात होगी, एक शहर में मैं जलसे के लिए गया था जहां मेरी क्यामगाह था, क्यामगाह थी, एक नौजवान आया मिलने के लिए, वैसे कई लोग आते, वो बड़ा सज धज करके आया था, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, सुरमा लगाकर मुसाफा किया। तो मैंने उससे पूछा,
कि बेटा हमेशा ऐसे ही लिबास में रहते हो, ऐसे ही तैयार रहते हो। तो उसने कहा नहीं हजरत, आज आपसे मिलने के लिए पहन के आया, वैसे तो मेरे कपड़े जीन्स है, फलां है फलां है, आपसे मिलने के लिए मैं अच्छे कपड़े, बहुत दिनों से मुझे इंतजार था आपसे मिलने का, खुशबू लगाया हूं, नहाया हूं, धोया हूं, सारी चीज। उस दिन मैंने एक बात याद की, उस नौजवान से कहा मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझसे मिलने से क्या हासिल, लेकिन तेरी मोहब्बत थी इसलिए तू सच करके आया। तुझे पता है एक दिन हमें हुजूर से मिलने के लिए कब्र में जाना है, कब्र में हमें जाना है कि नहीं जाना है, और हर मोमिन को यह मानना होगा कि हुजूर हमारी कब्र में आएंगे और फरिश्ते उनको दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। मेरे अजीजों, एक आलिम से मिलने के लिए तुम सज संवर लेते हो, बताओ अपने नबी से मिलने के लिए अब तक क्या क्या तैयारियां की, क्या अपने चेहरे को सजा लिया कि अचानक बुलावा आया तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाऊंगा, अचानक अगर बुलावा आ गया तो हुजूर की बारगाह में कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा। ये बात याद रखो, मैंने अपने जमाने तालिब इल्मी में देखा है, अपने जमाने तालिब इल्मी में एक चीज मैंने देखा है कि एक नौजवान जिसके बाप का यहां इंतकाल हो गया था और वो पढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे कि कई लोग यहां से जाने के बाद मिस्र में दाढ़ियां छिला देते हैं, मूंछ भी साफ, और वो सूट बूट पर भी आ जाते हैं। खैर आजादी है अपने लिबास की, मैं उन पर नहीं बात करता, लेकिन एक दिन मुझे ये बहुत बात खटकी, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा आने को तैयार नहीं, रो तो बहुत रहा था, जाने के रास्ते भी थे लेकिन जानते हैं किस वजह से नहीं आया। कहा यहां था तो दाढ़ी थी मेरी, मैंने चंद लोगों के बहकावे में यहां दाढ़ी छिला लिया, अब घर जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे और अगर मेरे बाप के जनाजे के आगे मुझे बढ़ाएंगे तो क्या मैं इमामत करने के काबिल हूं, इसलिए मैं अपने बाप के जनाजे में नहीं जा पाऊंगा। मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अगर चेहरा बदल लिया है चंद महीनों के लिए तो अपने बाप के जनाजे में नहीं आ पा रहा है, हुजूर की बारगाह में कैसे जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस दिन तुम्हें जाना है पता है, तुम्हें डेट दिया है किसी दिन मलकुल मौत ने कि तुम्हारी मौत 15 अगस्त को आने वाली है, तुम्हारी मौत 20 अगस्त को आने वाली है, डेट है किसी के पास? कल की सुबह भी हो सकता है हम में से ना देखे कोई, कल की शाम हमारी आखिरी हो सकती है, अचानक बुलावा आएगा हुजूर की बारगाह में। और जब मैंने बुजुर्गों से यह पढ़ा कि तुम अगर यही दुनियावी चेहरा लेकर के कब्र में आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र में होंगे, फरिश्ते तुमसे पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहता था, तुम सर उठा करके हुजूर को देखे हुए और बताने की कोशिश करोगे कि ये मेरे आका हैं, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार तू मेरी तरफ मत देखना, तुझे दुनिया में जब मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ऐ मुसलमानों अपनी ख्वाहिशात को तर्क करो, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करो, हुजूर की मर्जी के मुताबिक जीना सीख जाओ। आज दुनिया जिस कदर मजालिम तुम्हारे ऊपर ढा रही है किसी और कौम पर नहीं है, इसीलिए शायर ने बहुत पहले कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, तुम जिस रास्ते पर आज चले हो ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये गैरों का रास्ता है। तुमने एक्टरों को देखा, फिल्मी हीरो हीरोइनों को देखा और चल पड़े उनके नक्शे कदम पर, तुम्हें पता भी है वो जहन्नम के किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बना करके भेजा और ये फरमा कर भेजा मेरा रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, तुम्हें देखना उस मदीने वाले की तरफ चाहिए था, तुम देखने लग गए अमेरिका यूरोप और रशिया की तरफ, तुम्हारा चेहरा जब फिर गया तो दुनिया ने अपना चेहरा तुमसे फेर लिया, वरना हालात ऐसे थे कि यहूदी औरतें और ईसाई औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती थी रात को क्या कह के सुलाती थी पता है,
बेटा सो जा सलाउद्दीन आ जाएगा। वो डराती थी अपने बच्चों को, बेटा सो जाओ वरना सलाउद्दीन आएगा। आप अपने बच्चों को डराते हैं, बेटा सो जा नहीं तो पुलिस आएगा। जाहिर सी बात है, पुलिस का डर है, बुड्ढे का डर है, बाहर से चिड़ेल और भूतों का डर है। अपने बच्चों को माए यही तो दे रही आज। एक वक्त वो था कि एक गुलाम है मुस्तफा से पूरी दुनिया थर्राती थी, कांपती थी। क्यों? वो हकीकत में मुस्तफा के गुलाम थे। बेशक बेशक, हुजूर के लिए जिए, हुजूर के लिए दुनिया से गए। अगर एक फैक्ट चीज देखना चाहते हो, हकीकत चीज देखना चाहते हो, आज भी मजमे में आला हजरत का जिक्र होता है कि नहीं होता? बेशक। मसलक के आला हजरत कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? उनके अशार पढ़े जाते हैं कि नहीं पढ़े जाते? आप में से किसी ने आला हजरत को देखा है? देखा है किसी ने? तुम्हारे बाप दादाओं ने भी शायद नहीं देखा हो आला हजरत। हो सकता है किसी के दादा ने देखा हो, लेकिन 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे मजमों की जीनत है आला हजरत, हमारी महफिलों की रौनक है आला हजरत। क्या कहने? क्यों? किस लिए? इसलिए कि बड़े जमींदार थे, इसलिए कि बड़े पठान खानदान के थे। मेरे अजीज, तो हमारी मजलिसों की रौनक आज ही नहीं, ये दुनिया और 1000 साल भी चले ना, हर मजलिस